आपने सरकारी आदेशों नियमों की धज्जियां तो कई बार उड़ती देखी होंगी, पर जब फरमान सार्वजनिक हो तो कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। पर मुरादाबाद में ऐसे लोग और संस्थाएं हैं जो सरकारी नियमों को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। जी हम कोई मजाक नहीं कर रहे बल्कि 100% सच बोल रहे हैं। हुआ यूं कि 23 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जयंती को लेकर डीएम मुरादाबाद ने 22 तारीख को सरकारी अवकाश का निर्देश दिया, जिसमें स्कूल समेत सभी सरकारी संस्थाओं को अवकाश रखना था, पर प्राइवेट कॉलेज अपनी मनमानी पर उतरे हैं। जब हम पहुंचे दिल्ली रोड स्थित स्प्रिंगफील्ड स्कूल में तो पता चला कि पूरा स्कूल खुला हुआ है और सारे विद्यार्थी अंदर हैं। जब प्रधानाचार्य से बात की गई तो उन्होंने अपनी सफाई देना शुरू कर दी। उनका तर्क था कि उन्हें देर से पता चला कि अवकाश का सरकारी निर्देश है, पर उनसे पूछा कि बाकी स्कूल बंद है तो उन्होंने कहा कि वो चूक गई। साथ ही उन्होंने जब ये कहा कि निर्देश भी साफ नहीं था तो बात और गंभीर हो गई। हम इतनी बात कर ही रहे थे कि प्रधानाचार्य ने घबरा कर कह डाला कि अब वो कैलेंडर के हिसाब से 24 को अवकाश कर देंगी। अब कोई इनसे पूछे कि ये कौन सी बात हुई कि सरकारी आदेश को माना नहीं, साथ ही एक्सचेंज ऑफर दे दिया। ठीक है मैडम जी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। कौन बोले इससे भी ज्यादा। आश्चर्य तो तब हुआ जब एक कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर तारीख भी नहीं दिखी, जबकि नियम यह है कि जिस दिन ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है तो तारीख डाल दी जाती है। साथ ही कई और स्कूल भी जो सरकारी निर्देशों का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें रानी प्रीतम, विल्सोनिया, सेंट पॉल जैसे कई स्कूल हैं। अब बारी जिला विद्यालय निरीक्षक की है कि वो जांच कर उचित कार्रवाई करें। बहरहाल हम तो आपको सच बता रहे हैं, आगे जैसा अधिकारी चाहें। हमारे को इसका थोड़ा सा टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो जिसकी वजह से आज हमारा विद्यालय खुला हुआ है और कल को इस उपलक्ष्य में पहले भी कैलेंडर में 24 में ही दिखे हुए, तो हमारा कल को इस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कल विद्यालय। मैडम, जैसा कि अभी सभी जगह अवकाश चल रहा है, लेकिन आपके विद्यालय में अभी तक कुछ भी, जबकि हाफ डे में अवकाश का, चलिए मानते हैं कि आपके कॉलेज की बसेस निकल चुकी थी उसके बाद में आपने विद्यालय अपना खोला है, लेकिन जो सरकारी छुट्टियां दी गई है आज की तारीख में दी गई थी लेकिन वो आज नहीं की, इसका क्या होता है? सर, मेन रीजन यही हो जाता है कि छोटे बच्चे जो हो जाते हैं एकदम से कुछ भी इस तरीके के अनाउंसमेंट करने से छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, जिससे कई बार कुछ सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स को टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाती और बच्चों को कुछ असुविधा ना हो। मैडम, जैसा कि और भी विद्यालय हैं, और भी विद्यालयों का मतलब बसें सुबह को जल्दी मॉर्निंग में जल्दी निकल जाती हैं, उसके बाद में उन कॉलेजों में छुट्टी का मतलब किया गया है, आपने क्यों नहीं किया? सर, हमारी जब पहले कुछ एक टीचर्स कुछ और जगह से बात हुई थी तब तक किसी की कंफर्मेशन नहीं हुई थी। मैडम, जबकि ये तो सुबह 6 बजे जब अखबार आता है तभी यह आउट हो जाता है कि आज विद्यालयों का अवकाश है, सभी सरकारी दफ्तर आज छुट्टी पर हैं, लेकिन आपने ये तो एक तरीके से अधिकारियों की इसका उसमें हमारी वैसे पाए पहले और भी बात हुई थी, जबकि मैडम ये तो कल रात को ही आदेश आ गए थे। सर, हमारे पास रात तक नहीं पहुंच पाए थे, हमारे पास सुबह अखबार के माध्यम से ही पता चली, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, बच्चे वगैरह जो हमारी बसेस हैं वो जा चुके थे, इसलिए हम टाइमली इन्फॉर्म नहीं कर। सर, जब उसमें एक तो बिल्कुल क्लियर कट गिवन होते हैं, आज का जो थोड़ा सा क्लियर कट निर्देश भी सभी कार्यालय अधिकतर नहीं तो उसमें गिवन होता है कि विद्यालय वगैरह सभी समस्त विद्यालय और सभी के बोर्ड वगैरह गिवन थे, लिखे होंगे वो कुछ निर्देश में भी कुछ क्लियर नहीं था, एक अखबार में स्कूल के लिए नहीं लिखा हुआ था, दो अखबार में लिखे हुए थे, तो कहीं वहाँ पे भी विरोधाभास था।